भाजपा नेता नवनीत राणा ने हैदराबाद में एक रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी के 2013 के एक बयान पर कहा, छोटा भाई यानी अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो ताकि हम उन्हें दिखा सके कि हम क्या कर सकते हैं। मैं छोटे भाई से कहना चाहती हूं कि आपको 15 मिनट लग सकते हैं लेकिन हमें केवल 15 सेकंड लगेंगे। अगर हम आएंगे तो हम सभी को 15 सेकंड लगेंगे। 2013 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक भड़काऊ बयान दिया था जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर ओवैसी को गिरफ्तार भी किया था। बाद में अकबरुद्दीन ने उस बयान के लिए खेद जताया और वापस ले लिया। नवनीत राणा महाराष्ट्र की रहने वाली हैं लेकिन उन्होंने बयान हैदराबाद आकर भाजपा प्रत्याशी माधवी लता की चुनावी रैली में दिया। माधवी लता का मुकाबला मजलिस प्रमुख और अकबरुद्दीन के भाई असदुद्दीन ओवैसी से है। नवनीत राणा ने इस विवादास्पद बयान को अपने एक्स हैंडल पर भी लगाया है। अभी तक चुनाव आयोग ने इस बयान का कोई संज्ञान नहीं लिया है और न ही कोई नोटिस जारी किया है। नवनीत राणा की 15 सेकंड लगेंगे वाली टिप्पणी पर AIIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा, मैं मोदी जी से कहता हूं उन्हें 15 सेकंड दीजिए, आप क्या करेंगे, उन्हें 15 सेकंड दीजिए, एक घंटा दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि क्या आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है, कौन डरता है, हम तैयार हैं, अगर कोई खुला आह्वान कर रहा है तो ऐसा ही हो, PM आपका है, RSS है तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें कौन रोक रहा है, हमें बताओ कि हमें कहाँ आना है, हम वहाँ आएंगे। 15 सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए, आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड, 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है, करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, मैं हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ, नहीं 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 देखिए नहीं नहीं देखिए हम तो कह रहे हैं ना कि करिए, अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का तो ठीक है करिए, आप कौन रोक रहा है आपको, दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको, बोलते क्यों है, करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। नवनीत राणा के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, PM मोदी और अमित शाह समाज में नफरत फैला रहे हैं तो स्वाभाविक है तो उनके कार्यकर्ता और उम्मीदवार भी ऐसा ही करने वाले हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है वह गलत है और नवनीत राणा ने जो कहा है वह बेहद ही शर्मनाक है। PM मोदी के इशारे पर देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है क्योंकि PM मोदी ये चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से ऐसी गुजारिश करूंगा कि दोनों बयानों की जांच हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भाजपा नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए AIIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, नवनीत राणा समझ गई हैं कि वह अमरावती में चुनाव हारने वाली हैं, आनंद राज अम्बेडकर जिन्हें हमारी पार्टी का समर्थन है जीतने जा रहे हैं, वह सदमे में हैं और इसलिए यह सब कह रही हैं। पुलिस या चुनाव आयोग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, वे ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक वैमनस्य का प्रयास कर रहे हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।